आप सभी साथियों को राकेश सर का नमस्कार। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में, यानी कि डे टू डे लाइफ में कौन कौन सी अलग राशियां हैं और हम उनको किस प्रकार से मापते हैं, इस बारे में हम आज की इस क्लास में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप राजस्थान टेट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आर टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप मैथ्स के पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो पेड कोर्स रहेगा उसकी फीस बड़ी ही नॉमिनल रहेगी, ताकि आप लोग उसको इजीली परचेज कर पाएं और एग्ज़ाम से पहले आप मैथ की अच्छी तैयारी कर सकें, इसके लिए वो कोर्स आपका रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है वो आपका रियल लाइफ यानी कि डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। कैसे, अभी मैं बात करूँगा एक एक चीज़ के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर यूनिट्स जिसे हम राशियां बोलते हैं वो क्या होती हैं, जैसे मैं कह दूं कि आप डेली रूटीन में जो चीज़ें हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उनको मापते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि मान लो कोई सब्जी वाला आ गया तो आपने उससे सब्जी लेनी है, या कोई आप मार्केट में चले गए आपने कोई दाल या चीनी लेनी है, तो उसको मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वेट का। वेट यानी कि वजन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट रहेगी, जो राशि रहेगी, उसका नाम क्या है, वेट यानी कि वजन। तो अब आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, भाई अगर कोई सब्जी वाला आ गया तो आप क्या कहोगे, भाई 1 किलो गोभी दे दे, या आधा किलो प्याज दे दे, या 100 ग्राम मिर्च दे दे। जैसे कि मैंने क्या इस्तेमाल किया, मैंने किलोग्राम भी बोला, मैंने ग्राम भी बोला, और आप इसको मिलीग्राम में भी आप ले सकते हैं, ठीक है, मिलीग्राम। तो ये जो है ये आपके वजन को मापने का तरीका है, कि आप वजन को किस तरीके से माप रहे हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। इसके अलावा भी और होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो मैं इसको रियल लाइफ से जोड़ रहा हूँ कि हम क्या क्या जो यूनिट्स हैं, क्या क्या राशियाँ हैं, उनका इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में हम करते हैं। सेकेंड जो है, दूसरी चीज़ है आपकी लेंथ, लेंथ जिसको आप बोलते हैं लंबाई, लंबाई भी बोल सकते हैं आप, दूरी भी बोल सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, रोज़मर्रा की लाइफ में लंबाई कहाँ मापने को मिलती है। जैसे मान लो आप कपड़े की दुकान पे चले गए और आपने कहा कि 2 मीटर कपड़ा दे दो या 5 मीटर कपड़ा दे दो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो लंबाई है वो हमारी दूरी की फॉर्म में भी होती है, कि जैसे मान लो कहा कि एक रेस है जो कि 400 मीटर की दौड़ है, तो मीटर में भी हो सकती है दौड़, किलोमीटर में भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंथ है, लंबाई है, उसे हम किस में देख रहे हैं, या तो हम किलोमीटर में देख रहे हैं या मीटर में देख रहे हैं। वो लंबाई जो है वो हमारी सेंटीमीटर में भी तो हो सकती है, छोटी लंबाई होगी तो वो सेंटीमीटर में भी हो सकती है। तो जो सेकेंड हमारी यूनिट थी वो क्या थी, लेंथ की यानी कि लंबाई की। थर्ड हमारी जो यूनिट रहेगी वो हमारी किसकी रहेगी, वो हमारी रहेगी कैपेसिटी की, कैपेसिटी, कैपेसिटी जिसको आप बोलते हैं क्षमता या धारिता। अब कैपेसिटी का इस्तेमाल रियल लाइफ में कहाँ होता है, अब देखो जैसे सुबह सुबह दूध वाला आता है, सुबह आता है या किसी का शाम को आता है, बोला भैया 3 लीटर दूध दे दो, हालांकि वहाँ पे भी कई बार हमें से बोलते हैं 3 किलो दूध दे दो, लेकिन भाई जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो हमेशा लीटर में मापी जाती हैं या मिलीलीटर में मापी जाती हैं, ठीक है। तो उसकी जो यूनिट होगी वो लीटर होगी, ठीक है ना। आप बोलते हैं ना भाई 2 लीटर दूध दे दो, या आपने देखा होगा कोई भी आप रिफाइंड का पैकेट या घी का पैकेट लाते हैं तो उस पर जो वजन होता है वो किलोग्राम में नहीं होता, वो लीटर में होता है। तो हमारी जो थर्ड टाइप की यूनिट है वो कैसी है, कैपेसिटी यानी कि क्षमता, जिसे आप किस में मापते हैं, किलो लीटर में मापते हैं या लीटर में मापते हैं, ठीक है, या मिली लीटर में मापते हैं। इसके अलावा भी और होती हैं लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तो मैं जस्ट ये बता रहा हूँ आपको कि यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं रियल लाइफ में, यानी कि राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ये राशियों का नाम है और ये उनको मापने के तरीके हैं कि वो किलोग्राम में, ग्राम में या मिलीग्राम में, या किलोमीटर में, मीटर में या सेंटीमीटर में, इस तरह से अलग अलग बातें हैं। एक चीज़ और बच गई, जो हमारी यूनिट है एक और बच गई, जिसका हम नाम क्या कहेंगे, टाइम यानी कि समय, ठीक है। ये है हमारी टाइम, जिसको आप बोलते हैं समय। अब सबको पता है समय किस में मापते हैं, अब समय या तो सालों में हो सकता है या दिनों में हो सकता है, वो मिनटों में भी हो सकता है, वो घंटों में भी हो सकता है, वो सेकंडों में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये किस में हो सकता है, डेज यानी कि दिन में हो सकता है,
ठीक है, आर यानी कि घंटों में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, तो इसके बारे में भी हम सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट यानी कि राशियाँ और उनके माप, वो अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं ये आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हैं, यानी कि आप रियल लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, वजन आपको कहीं ना कहीं मापना पड़ेगा, लंबाई, कैपेसिटी और टाइम, समय, तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे बाद में इसके एग्जाम्पल के साथ, लेकिन पहले आपको ये कंसेप्ट सीखना जरूरी है। अब इस कंसेप्ट को सीखने के लिए यहां पर जो एक मेन चीज है वो क्या है, वो मैं आपके सामने यहां लिख दे रहा हूं कि सबसे पहले आप देखेंगे क्या, मीटर। मीटर एक ये मेन चीज है। इसके बाद जैसे यहां पर इसमें हमने लंबाई ले ली मीटर में, वजन था तो वो किस में लेना था, हमने ग्राम में लेना था। ठीक है, और ये कैपेसिटी क्षमता जो है वो किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। ये एक मेन लाइन है, यहीं से कुछ वैल्यूज आएंगी जो इनसे बड़ी होंगी और कुछ वैल्यूज होंगी जो इनसे छोटी होंगी। तो उनके नाम किस तरह से होते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये आपकी मेन यूनिट है। मीटर से ऊपर जो होती है वो हमारी होती है डेकामीटर। मैं उसको इधर लिख रहा हूं, डेका। ठीक है, मीटर से ऊपर जो होगा वो क्या होगा, डेका। डेका से ऊपर जो होगा वो क्या होगा, हमारा हेक्टो। और इससे ऊपर क्या होगा, हमारा किलो। ये मैंने इधर अलग क्यों लिखे भाई, क्योंकि यही सभी के साथ लगेंगे। कैसे लगेंगे, अब ये धीरे धीरे आप चलते जाने दो, सारी चीजें समझ में आएंगी। मैंने कहा ये हमारी क्या है, ये हमारी मेन यूनिट है, दिस इज आवर मेन यूनिट। ठीक है, और इससे कुछ ऊपर हैं और कुछ इसके नीचे हैं। ऊपर हैं वो बड़े हैं और नीचे जो हैं वो छोटे हैं। इससे नीचे क्या होंगे, आपके होंगे डेसी, उसके नीचे क्या होगा, सेंटी, उसके नीचे क्या होगा, मिली। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। मैं इनके हिंदी नाम भी लिख देता हूं, ये आपको वैसे पता ही लग रहे होंगे। ये क्या है, किलो है। ये आपका हेक्टो, उसके बाद ये है डेका। ये आपकी मेन यूनिट आएगी। मेन यूनिट का मतलब क्या, वो मीटर भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है और लीटर भी हो सकता है। इसको आप बोलेंगे डेसी। ये होगा आपका सेंटी, ये आपका मिली। ठीक है, ये कैसे याद रहेंगे मैं आपको ये भी समझा दूंगा। अब मेन क्या है, इनके नोटेशन भी आपने याद रखने। नोटेशन का मतलब क्या, आपको सभी को पता है किलो का जो नोटेशन होता है वो के से होता है, स्मॉल के से, ध्यान रखना ये स्मॉल के है। ठीक है, हेक्टो का नोटेशन जो होगा वो एच से होगा, स्मॉल एच से। डेका, डेका को बोलेंगे डी ए, ध्यान रखना इसको बोलेंगे डी ए। ठीक है, डेसी को बोलेंगे डी, ठीक है ध्यान रखना इसको बोलेंगे डेसी को डी, यहां आ की आवाज आ रही है डेका इसलिए डी ए बोलेंगे। सेंटी को बोलेंगे सी और मिली को बोलेंगे एम। ये सारे ही जो लेटर यहां मैंने लिखे हैं ये सारे ही स्मॉल हैं। ठीक है, अब देखो, अब इस सीक्वेंस को कैसे याद रखना है इसको भी मैं एक बार समझा देता हूं, उसके बाद फिर ये सारे देखना कितने आसान हो जाएंगे आपके लिए। देखो इसको याद कैसे रखना है भाई, देखो ट्रिक कोई भी बना सकते हो जो आपके हिसाब से अच्छे लगे। मुझे अभी जो ध्यान में आई वो मैं एक बार बता देता हूं। ट्रिक क्या है, यहां से अगर मैं बनाऊं तो मैं कहूंगा क्या है दिल में देखना चाहूंगा मैं। मैंने क्या बोला कि क्या है दिल में, क्या है दिल में देखना चाहूंगा मैं, देखना चाहूंगा मैं। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते थे कि कौन है दिल में देखना चाहूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के बोला कि क्या है दिल में, कि मेरे दिल में क्या सपना है, कि मैं क्या बनूं, कि मैं कैसे एग्जाम क्रैक करूं। तो क्या है दिल में देखना चाहूंगा मैं, तो अगर आप इसको ऐसे पढ़ें या कौन है इस दिल में देखना चाहूंगा मैं, इस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं। इसके अलावा और भी हो सकता है, ये मैंने कहां से उठाया, देखो क्या, ये क्या है, ये के है का मतलब ये एच है, दिल का मतलब डी, यहां से एक नोटिफिकेशन डी के लिए मिल जाएगा आपको। मे का मतलब एम यानी कि मेन यूनिट, ठीक है वो मेन यूनिट है आपकी एम, वो मीटर भी हो सकती है, ग्राम और लीटर भी हो सकती है। देखने के लिए फिर से डी आया, चाहूंगा के लिए सी आया और मे का मतलब एम आ गया। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि कहां है दिल्ली
में डीसीएम, देखो मैंने एक ट्रिक और बनाई अभी यहां पर, क्या है, कहां है दिल्ली में डीसीएम, तो आप इसको भी लिख सकते हैं जैसा भी आप ठीक समझे, दोनों में से किसी एक को याद रखना और फिर देखना क्वेश्चन कैसे आपके फटाफट चलेंगे। अब मैं नोटेशन के हिसाब से इन चीजों को लिख रहा हूं, ध्यान से एक बार देखिएगा। अब देखो मीटर को आप नोटेशन जो देंगे वो क्या देंगे, ध्यान रखना, इसको देंगे आप एम, ठीक है। ग्राम के लिए क्या देंगे आप सभी को पता है जी एम भी लिख देते हैं हम, या जी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्राम के लिए आप नोटेशन दे दो जी, और लीटर के लिए आपने नोटेशन रखना है एल। ये आपकी मेन नोटेशन है, यानी कि मेन यूनिट है। अब देखो मीटर से ऊपर क्या होगा, डेकामीटर, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डे ए एम, यानी कि डेकामीटर। फिर उसके ऊपर क्या होगा, हमारा होगा हेक्टोमीटर, और उससे ऊपर आपका क्या होगा, किलोमीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम्हें, ठीक है। नीचे देखो ये बड़ी यूनिट है, अब नीचे की तरफ आते हैं, मीटर से नीचे क्या होगा, डेसीमीटर। ध्यान रखना इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहां आ की आवाज आ रही है, डेका आ की आवाज आ रही है इसलिए इसमें ए आएगा, यहां डेसी यहां आ की आवाज नहीं आ रही तो इसमें सीधा डीएम आएगा। फिर होता है सेंटीमीटर, तो क्या होगा सीएम। फिर मिलीमीटर यानी कि एमएम। बात आ रही है समझ में, क्लियर है यहां तक। अब ये समझ में आ गया तो जैसा ये था वैसे ही ये भी बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखो ग्राम का नोटेशन हमने क्या रखा, जी रखा, तो ग्राम से ऊपर क्या होगा, डेकाग्राम, तो डी ए जी। इससे ऊपर क्या होगा, हेक्टोग्राम यानी कि एच जी। ऊपर क्या होगा, किलोग्राम यानी कि के जी। ऐसे लिखते हो ना के जी को, ठीक है। ग्राम को जीएम भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना है आपने। सिमिलरली इससे छोटी यूनिट क्या होगी, डेसीग्राम, फिर सेंटीग्राम, फिर मिलीग्राम, ठीक है। तो ग्राम की सबसे छोटी यूनिट मिलीग्राम और सबसे बड़ी यूनिट किलोग्राम, इसी तरह से ये था। सिमिलरली लीटर के लिए अगर आप देखेंगे तो अब मेरे ख्याल से सबको पता लग गया, इसको लिखेंगे डी ए एल यानी कि डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। नीचे की तरफ आएंगे डेकालीटर, सॉरी डेसीलीटर, ये है डेका तो ये डेसीलीटर है, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये जो था आपका एक मेन पोर्शन था जिसे आपने याद रखने। अब यहां पर क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करने मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं, उसके बाद फिर बेसिक कंसेप्ट आपका खत्म हो जाएगा और फिर सीधा हम एग्जाम्पल की मदद से चीजों को और ज्यादा आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो ट्रिक याद रख लेना, ये सीक्वेंस आपको आना चाहिए बस। अब इस सीक्वेंस में क्या है भाई, अगर मैं कहूं कि ये यहां पर सीडी है, ठीक है, यहां पर ये पहली पैड़ी है, पहला स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इस तरह से हम सीडी पर चढ़ भी सकते हैं और सीडी से नीचे उतर भी सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है आपने, अगर आप सीडी पर चढ़ रहे हैं यानी कि आप ऊपर जा रहे हैं, अप एरो का मतलब सीडी पर ऊपर चढ़ना, तो ऊपर चढ़ने के लिए आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 10 से, हर एक स्टेप के लिए आपने डिवाइड करना है 10 से, और अगर आप सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है हर स्टेप के लिए 10 से। अब यहां ये बातों को याद कैसे रखना है मैं इसका भी एक तरीका आपको समझा देता हूं ताकि कहीं पर भी आपको रट्टा ना मारना पड़े, ठीक है। तो ये नोटेशन ध्यान रखना, मैं किसी एक को मिटा लेता हूं, इसको मिटा देता हूं। देखो अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है, क्या है सिंपल एग्जाम्पल, आप सभी मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि हमारा कोई डिस्टेंस है, कोई दूरी है जो कि कितना है, 5 किलोमीटर, ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि 5 किलोमीटर की दूरी मीटर में कितनी होगी, तो तुम सभी जानते हो 5 किलोमीटर जो है वो 5000 मीटर के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है, सबको पता ही है, इसके लिए कोई रट्टे की जरूरत नहीं है कि भाई मैं इसको सिखाऊं कि ये कैसे आया। आप सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो फिर 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होंगे, बिल्कुल आसान सी बात है। अब याद कैसे रखना है, अब यहां से मैं समझाता हूं। मैंने यहां पर लिखा है कि अगर आप सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, ये नीचे उतरना है, तो आप हर स्टेप के लिए 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जैसे मैं इस स्टेप पे खड़ा हूं और मुझे यहां से यहां आना है, तो आप मुझे बताइए, एक कदम उतरे आप, फिर दूसरा कदम उतरे, और फिर तीसरे कदम से आप यहां पर पहुंच गए, और मैंने कहा हर एक कदम उतरने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, तो 10 से यहां मल्टीप्लाई होगी, 10 से यहां होगी और 10 से यहां होगी, तो 10 × 10 × 10 यानी कि 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात समझ में। इसी बात को अगर मैं कह दूं कि भाई 5 किलोमीटर के
कितने हेक्टोमीटर बनेंगे, तो इसका मतलब मुझे केवल एक ही स्टेप नीचे उतरना है, तो फिर मैं कहूंगा ये 50 हेक्टोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं कहूं कि भाई 5 किलोमीटर के कितने डेकामीटर बनेंगे, तो आप देखो एक स्टेप ये और एक स्टेप ये, तो इसका मतलब 2 बार 10 से मल्टीप्लाई होंगी, तो ये आपके 500 डेकामीटर हो जाएंगे, और इसके नीचे आएंगे तो 5000 हो जाएंगे। तो ये तो तरीका है नीचे उतरने का, और हर एक स्टेप के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई। अब इसी एग्जांपल से मैं इसको ऊपर चलना भी सिखा देता हूं। जैसे अगर मैं कह दूं कि हमारे पास है 5000 मीटर, सिंपल सी बात, 5000 मीटर है, और मैंने पूछा कि ये कितने किलोमीटर बनेंगे, तो आप देखो इससे एक स्टेप जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, तो मैंने कहा ऊपर चलने के लिए आपको 10 से डिवाइड करना है, यानी कि इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो आपके ये कितने बन जाएंगे, ये बनेंगे 500, ठीक है, यानी कि ये आपके बनेंगे 500 डेका मीटर। फिर इससे एक स्टेप और ऊपर जाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने बनेंगे, 500 हेक्टोमीटर, और इससे फिर से एक ऊपर जाएंगे तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएंगे 5 किलोमीटर। तो बिल्कुल आसान है ना, बस यही 2 बातें आपने दिमाग में रखनी है, और देखना आप किस तरह से सारे क्वेश्चंस को आसानी से करते चले जाएंगे। बस ये सीक्वेंस याद रखना कि मेन यूनिट के ऊपर, मेन यूनिट का मतलब वो मीटर भी हो सकता है, ग्राम भी, और आपका लीटर भी हो सकता है, इससे ऊपर डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो, और नीचे डेसी, फिर सेंटी, और सबसे नीचे मिली, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के रूप में दे रहा हूँ, तो उसके लिए एक बार वीडियो को पॉज करता हूँ और फिर आप क्वेश्चंस के आंसर को देखिएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, क्वेश्चन करने के लिए आसानी से मैंने यहाँ पर इन चीज़ों को लिख दिया, ये आपकी मेन यूनिट है, मीटर भी हो सकती है, ग्राम भी और लीटर भी हो सकती है, ये इससे बड़ी यूनिट है और ये इससे छोटी यूनिट है, ये बताया था मैंने, ऊपर जाने के लिए 10 से डिवाइड और नीचे आने के लिए 10 से मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, आप वीडियो को पॉज करें और एक बार इनके आंसर करें, ठीक है, फिर मैच करके देखना कि कितना आपको आ गया। अब पहला क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल भी नहीं घबराएं, बिल्कुल आसान है चीज़ें। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट 15 किलोमीटर इंटू, यानी कि 15 किलोमीटर को हमें बदलना है, किस में बदलना है, हेक्टोमीटर HM, ध्यान रखना ये यूनिट आपको ध्यान रखनी है कि हेक्टोमीटर को HM लिखते हैं, ठीक है, डेकामीटर को DAM लिखते हैं, जबकि डेसीमीटर को DM लिखा जाता, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कई बार ये यूनिट भी छोटी लिखी आ सकती है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में अभी लिखूंगा उसमें आपको समझ में आएगा इनके बारे में। तो 15 किलोमीटर को कन्वर्ट कर रहा हमने हेक्टोमीटर में, तो ध्यान से देखो यहां पर आ जाओ मीटर, अब मीटर लेंगे तो ये किलो के साथ एम लग जाएगा, तो किलोमीटर, तो हमारे पास है किलोमीटर, 15 किलोमीटर है, और हमें कहाँ आना है, हेक्टो पे आना है, तो हेक्टो तो 10 इससे नीचे का स्टेप है, तो ध्यान दो मैंने कहा था कि जब आप नीचे आएंगे तो एक स्टेप नीचे आने के लिए 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे किलो से हेक्टो पे आएंगे तो एक ही स्टेप नीचे आए, तो इसका आंसर क्या होगा, 15 × 10 यानी कि 150 हेक्टोमीटर, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, क्लियर है। फिर से देखते हैं, 15 किलोमीटर से हमें डेकामीटर पे आना है, अब डेकामीटर कहाँ होता है, यहाँ होता है ना, DA, ये इसका नोटेशन है, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा DAM, डेकामीटर, तो किलोमीटर से हमें आना है डेकामीटर पे से, तो कितने स्टेप आए, एक स्टेप ये और एक स्टेप ये, तो आप 2 स्टेप नीचे आ रहे हो, तो इसका मतलब इसको हम 10 × 10, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये बन जाएगा 1500 डेकामीटर, तो ये दूसरा आंसर आ गया। तीसरा आंसर मीटर में कन्वर्ट करने हैं, तो ये सभी जानते हैं कि 15 किलोमीटर में 15000 मीटर होते हैं, यहाँ से टेबल से दिखाता हूँ, एक स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, तो 3 स्टेप नीचे आए, तो इसके 15 के साथ आप 3 जीरो लगा देना, ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप इसको कि भाई जितने स्टेप आप नीचे आ रहे हैं उतने जीरो आप लगा दें, 1 स्टेप नीचे तो 1 जीरो, 2 स्टेप नीचे तो 2 जीरो, एंड सो ऑन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, कन्वर्ट 8 हेक्टोग्राम इंटू, यानी कि 8 हेक्टोग्राम को बदलना है किसमें, डेकाग्राम में, ठीक है, तो डेकाग्राम देखो सबसे पहले हेक्टोग्राम होता कहाँ है, हेक्टोग्राम यहाँ होता है, और हमें इसको बदलना है डेकाग्राम में, यानी कि इससे एक स्टेप नीचे आना है, तो एक स्टेप नीचे आना है यानी कि 1 जीरो लगेगी, ये हमारा बन जाएगा कितना, 80 डेकाग्राम, 80 डेकाग्राम, बात समझ में आ रही है भाई, कैसे बताया मैंने, एक स्टेप नीचे आए हैं, अब हमें हेक्टोग्राम से ग्राम पे आना है, तो हेक्टोग्राम से कहाँ आना है, ग्राम पे आना है,
तो एक और एक दो स्टेप नीचे आएंगे, यानी कि दो जीरो लगेंगी, तो 800 ये हमारा बनेगा ग्राम। ठीक है, क्लियर है यहां तक भी? और नीचे अगर आना होता, मान लो इसी में मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले लूं कि इसी को आप करें सेंटीग्राम में कन्वर्ट, सेंटीग्राम, ठीक है, यानी कि सीजी, तो आप मुझे बताइए हो कहां पर? हेक्टो पे। हेक्टो से मुझे आना है सेंटी तक, तो कितने स्टेप आएंगे देखो, 1 2 3 4, तो 4 स्टेप नीचे आओगे, तो इसका मतलब 1 2 3 4 इतनी जीरो इसके आगे लग जाएंगी और ये बन जाएगा 80,000 सेंटीग्राम। क्लियर है यहां तक भी बात? ध्यान रखना जितने स्टेप आप नीचे आ रहे हो, हेक्टो पर हम खड़े हैं, हम कहां खड़े हैं? यहां पर खड़े हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, तो 4 स्टेप नीचे आना है इसलिए 4 जीरो लगेगी। तो नीचे आना आपको पता लग रहा है कि कैसे कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 6 डेसीलीटर इनटू, यानी कि 6 डेसीलीटर, सॉरी डेसी नहीं डेकालीटर है भाई, गलती से बोला गया डेसी, ये डेका है, डेकालीटर, 6 डेकालीटर को हमें कन्वर्ट करना है लीटर में। तो मुझे बताइए डेकालीटर कहाँ है? यीरा, ठीक है ना, ये डेकालीटर है, ये वाला डेसी है, ध्यान रखना इस पे लिखा भी है मैंने डेसी। तो डेकालीटर से हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखो DAL इसमें कन्वर्ट करना है, तो एक स्टेप नीचे आए, सॉरी हाँ लीटर में कन्वर्ट करना है, डेकालीटर से हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो DAL से हमें लीटर पे आना है, तो एक स्टेप नीचे आए, तो फिर क्या लगा देंगे, 6 × 0 इतने लीटर, 60 लीटर हो गया। अगर हमें यहां से मिलीलीटर बनाना है, तो तुम बताओ खड़े कहां पर हो? यहां पर डेका पे, और हमें आना है मिली तक, तो कितने स्टेप आएंगे, 1 2 3 4, 4 स्टेप हम नीचे आएंगे, तो 6 के आगे आप 4 जीरो लगा दें। क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा नीचे आने का तरीका। अब एक बार ऊपर चलने का तरीका भी देखते हैं, उसके बाद फिर मैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको दूंगा और आपने उनका आंसर करना है। तो फिर से मैं क्वेश्चन लिखता हूं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट 65 मिलीमीटर इंटू, यहां नोटेशन दिया है मैंने, तो समझ जाओगे आप कि 65 मिलीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में, यानी कि हम कहां पर खड़े हैं? सबसे पहले ये देखो मिलीमीटर, देखो मिली तो है ही, जब मीटर के साथ लगेगा तो mm यहां बनेगा, इसका मतलब हम यहां खड़े हैं, तो हमारे पास 65 मिलीमीटर है और हमें किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो इसके लिए मुझे कितना स्टेप चलना पड़ेगा? एक ही स्टेप चलना पड़ेगा, और ध्यान दो मैंने कहा था ऊपर एक स्टेप चलोगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 65 / 10 आंसर बिकम 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप देखो पोजिशन कहां पर खड़े हैं, बस उसके हिसाब से क्या बनाना है। 65 मिलीमीटर फिर से यहां पर खड़े, मिली सबसे नीचे होते हैं, और हमें बनाना है मीटर में, तो मुझे बताओ यहां से हमें कहां चलना पड़ेगा, मिली से हम सेंटी पे आएंगे, फिर डेसी पे आएंगे, और फिर हम मीटर पे आएंगे, तो 1 2 3 स्टेप हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो हम इस 65 को डिवाइड करेंगे 1000 से। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेप के लिए 10 से डिवाइड होता है, तो 10 × 10 × 10, तो 3 बार 10 से डिवाइड, यानी कि 1000 से डिवाइड होगा और आंसर बनेगा 0.065 मीटर। क्लियर है भाई बात? तो यही आपने बस ध्यान रखना है, ऊपर जाते हुए डिवाइड, नीचे आते हुए मल्टीप्लाई। क्लियर यहां तक? अब यहां से बात करते हैं, कन्वर्ट 700 डेसीग्राम इंटू, डेसीग्राम, डेसीग्राम कौन सा होता है? ये वाला। तो हम यहां पर खड़े हैं, हमारी पोजीशन यहां है, हमने यहां से चलना कहां है, डेकाग्राम पे चलना है, तो यहां से हमें यहां जाना है, तो कितने स्टेप जाएंगे, एक और एक दो स्टेप, तो दो स्टेप के लिए इस 700 को आप डिवाइड कर देंगे 100 से, दो स्टेप का मतलब दो नीचे जीरो आ जाए, तो ये कितना बनेगा कट के, ये बनेगा 7 डेकाग्राम। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब 700 डेसीग्राम से, यानी कि यहां से हमें चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में किलोग्राम पे, तो यहां से हम यहां जाना चाह रहे हैं, तो देखो कितने स्टेप, एक स्टेप दो तीन चार, तो 4 स्टेप हम चल रहे हैं, तो इस 700 को हम डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4, तो जितने स्टेप ऊपर जाना है उतने जीरो आपने नीचे लगा देने, इससे कटा ये, और ये बन गया 0.07 kg। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? तो कितने किलोग्राम बनेगा आपके सामने, तो बस ये मिल, ये मीटर में था, ये ग्राम में था, और ये लीटर में है, तरीके सेम है। ठीक है, बस मेन यूनिट बदलेगी, किसी पे मीटर लगेगा, किसी पे ग्राम लगेगा, किसी पे लीटर। तो ये क्वेश्चन अब आपने कर लिया होगा अब तक, तो
तो 30 सेंटीलीटर कहाँ पर है भाई, सेंटी कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पर हम खड़े हैं और हमें आना है लीटर पे। तो इससे लीटर आने के लिए देखो एक और एक दो स्टेप चलने हैं, तो इसका मतलब 30 को डिवाइड कर दें आप 100 से, इट बिकम 0.3 लीटर। ठीक है, क्लियर। डेका लीटर, तो हम खड़े हैं सेंटीलीटर पे और हमें आना है डेका पे, तो डेका क्या है, एक दो तीन, तीन स्टेप ऊपर है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, तो तीन स्टेप के लिए तीन जीरो नीचे आने चाहिए, इससे घटाइए, आंसर बनेगा 0.03 डेका लीटर। तो ध्यान रखना, कई बार ये यूनिट भी लिखी होती है, तो यूनिट भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो यहां तक मेरे ख्याल से अब आपको ऊपर जाना और नीचे आना दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन मिक्स लिखता हूं और आप आंसर करना, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 हेक्टोमीटर, 3 डेकामीटर, 5 मीटर और 2 डेसीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, ये आपने बताना है। तो यहाँ मिक्स आ गया सब कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ मैं इनको बोल के ही बता रहा हूँ, किसी को नहीं समझ में आ रही, ये हेक्टोमीटर है भाई, ये अब तक तो आ जाने चाहिए समझ में सबको। ये डेकामीटर है, ये मीटर है और ये डेसीमीटर है, ध्यान रखना, इन दोनों में कन्फ्यूज मत होना। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो तुम मुझे बताओ 4 हेक्टोमीटर कहाँ है, यहाँ पे, और हमें आना कहाँ है, मीटर पे आना है, तो हमें नीचे आना है, तो नीचे आने के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो एक और एक दो स्टेप से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये बनेगा 400। 3 डेकामीटर, डेका से यहाँ पे आना है, मेन यूनिट पे आना है, ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में मैं जो करवा रहा हूँ, हम मेन यूनिट पे आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डेकामीटर से यहाँ पे आएंगे तो एक स्टेप नीचे आए, तो इसको कितना लिखूंगा, 30 प्लस 5 मीटर, ध्यान दो 5 मीटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो ये तो ऑलरेडी मीटर में है, तो इसको 5 का 5 ही रखना है, क्यों, क्योंकि ये तो मीटर में है पहले से। 2 डेसीमीटर, अब 2 डेसीमीटर का मतलब कहाँ, यहाँ पे, और यहाँ से हम ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो फिर ऊपर के लिए तो डिवाइड होगा, यानी कि ये हो जाएगा 2/10, क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखो ये कितना बन गया, 400 जमा 30 जमा 5, तो 435, तो ये बन गया 435, और 2/10 का मतलब 0.2, ये बन गया, तो इसका आंसर बनेगा 435.2, क्लियर है यहां तक। कोई दिक्कत किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखें और आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे, ये पॉइंट है, ठीक है। इसको करके देखो, अब किलोग्राम, अब हमने बनाना क्या है, ग्राम, ये वाला बनाना है, तो यहां पर हो तो 2 किलोग्राम से कितने बनेंगे, 1, 2, 3, तीन स्टेप आए, यानी कि 2000, तीन स्टेप के लिए तीन जीरो मल्टीप्लाई लगेंगे, ठीक है। 4 डेकाग्राम, यहां से यहां आना है तो 1 जीरो लगेगी, यानी कि ये बनेगा 40। 6 सेंटीग्राम, यानी कि सेंटी यहां पर है और हमें यहां से ग्राम पे जाना है, तो एक और एक दो स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो फिर दो स्टेप के लिए नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आंसर कितना बना, 2040, तो ये बन गया, और ये कितना बनेगा, 0.06, तो 2040.06 ग्राम यहां पर इसका पूरा आंसर बनेगा, ठीक है। इसको देखिए, यहां पर हमें लीटर पे जाना है, तो सबसे पहले हेक्टोलीटर पे चलो, हेक्टो यहां पे और हमें यहां पे लीटर पे आना है, तो एक और एक दो स्टेप नीचे आएंगे, तो ये बनेगा 600। 9 डेका, डेका से जस्ट नीचे आना है, तो एक स्टेप नीचे, यानी कि 90 प्लस में 2 डेसीलीटर, ध्यान दो डी एल का मतलब, ये डी ए एल यानी कि डेका लीटर है, ये डी एल यानी कि डेसीलीटर है, तो हमें यहां से डेसी से ऊपर जाना है एक स्टेप, तो ये कितना बनेगा, 2/10, तो इसको लिखोगे 690.2/10 को लिखोगे आप क्या, 0.2, तो 690.2 लीटर यहां पर इसका आंसर होगा। इसका आंसर बताओ फटाफट, यहां पर 2 किलो 6 हेक्टोग्राम और हमें ग्राम बनाना है, तो 2 किलो के ग्राम बनेंगे, तो तीन स्टेप नीचे आएंगे, ध्यान रखना, अब तो याद हो गए होंगे ये, तो 2 किलोग्राम के 2000 प्लस 6 हेक्टोग्राम, हेक्टो किलो से जस्ट नीचे होता है, ये हेक्टो होता है, तो एक और एक दो स्टेप यहां पर आएंगे, तो ये कितना बनेगा, 600, तो 2000 और 600, तो यानी कि 2600 ग्राम इसका आंसर होगा। अब इसका आंसर भी कर लेते हैं एक बार फटाफट, 4 किलोमीटर, मीटर पे चलना है तो 4 किलोमीटर में 4000 मीटर, 6 हेक्टोमीटर में कितने हो जाएंगे, 600, देखो हेक्टो, इससे एक और एक दो स्टेप नीचे आएंगे, 5 डेकामीटर, 5 डेकामीटर से मीटर पे आएंगे तो कितना हो जाएगा, 50, तो 4, 6, 5, 0, तो 4650 मीटर इसका आंसर आ जाएगा।
तो क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस भी हो रही होगी, तो इसके बाद आपको सीधा क्वेश्चन करने जब भी एग्जाम में आएंगे कहीं से भी आप करके देखना, किसी बुक में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा, ठीक है। तो अभी आगे के क्वेश्चन भी लिखते हैं, ठीक है, टाइम के भी लिखेंगे अभी। हाँ जी, अगले क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, एक बार फटाफट वीडियो को पॉज करके आंसर करें, उसके बाद फिर मैच करते हैं, ठीक है, कि आपने क्या आंसर किए और क्या इनके आंसर आ रहे हैं। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे नोटेशन, किसी को नहीं समझ में आ रहे तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें, नोटेशन अच्छे से पता होना चाहिए। वन डेकाग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, ध्यान रखो यहाँ पर, सॉरी वन डेसीग्राम, गलती नहीं करनी भाई, छोटी छोटी गलती हो सकती है, ये डेसीग्राम है, डेका होता तो ए होता इसमें, ठीक है। तो वन डेसीग्राम इक्वल टू कितने ग्राम के बराबर है, तो वन डेसीग्राम देखो कहां पे है, डेसीग्राम ये है, और कितने ग्राम के बराबर है, तो यहां से हमें ऊपर जाना है, यानी कि डिवाइड करना है हमें इसे कुछ से, 10 से ऊपर जाने के लिए डिवाइड 10 से, तो ये कितना होगा, 0.1 ग्राम के बराबर होगा, ठीक है। डेसीग्राम, एक डेसीग्राम कितने ग्राम के बराबर है, तो एक स्टेप ऊपर 0.1। 1/1000 ग्राम को मुझे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये ग्राम है भाई, ठीक है, ये इसको चाहे तुम ऐसे लिख लो, ये ग्राम है, 1/1000 ग्राम के हमने किस क्या बनाने हैं, मिलीग्राम, तो 1/1000 ग्राम और हमें क्या बनाना है, मिलीग्राम, तो नीचे आना है ना, तो ध्यान दो हम यहां पर है और हमें 1, 2, 3 स्टेप नीचे आने हैं, तो हम इसको किससे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात आ रही है समझ में, देखो 1/1000 ये मेरे पास है, यानी कि मैं यहां पर हूं और मुझे मिली पर आना है, तो नीचे आने के लिए 1, 2, 3 स्टेप के लिए 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट 1, तो ये कितना आएगा, 1 मिलीग्राम इसका आंसर होगा, ठीक है। ध्यान से, एक डेकाग्राम, ये DAI, ये डेकाग्राम है, एक डेकाग्राम के कितने ग्राम बनेंगे, डेकाग्राम के कितने ग्राम बनेंगे, तो डेका से ग्राम बनाना, तो नीचे आए तो कितने बनेंगे, 10 ग्राम बनेंगे, ठीक है भाई। फिर एक किलोग्राम के कितने हेक्टोग्राम बनेंगे, किलो से हेक्टो, एक स्टेप नीचे आने, तो 10 हेक्टोग्राम बनेंगे। एक मिलीग्राम के कितने डेसीग्राम बनेंगे, मिलीग्राम, मिलीग्राम से डेसीग्राम यहां पे आना है, तो एक स्टेप और दो स्टेप ऊपर चले, तो दो स्टेप ऊपर के लिए आप इसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, तो 0.01 बना, ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा 0.01, तो ऊपर के लिए डिवाइड है। एक ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होगा, तो ध्यान से देखो, एक ग्राम कितने किलोग्राम के ऊपर बराबर, तो 1, 2, 3, तो 3 स्टेप ऊपर चले, इसका मतलब हमें इसको 1000 से डिवाइड करना है, आंसर बनेगा 0.001, तो आ रहा होगा समझ में, बस ऊपर नीचे ही आना जाना है बस, और कुछ नहीं करना। एक लीटर कितने सेंटीलीटर बनेंगे, लीटर से कितने सेंटीलीटर बनेंगे, तो एक और एक दो स्टेप नीचे आए, तो फिर 100 सेंटीलीटर। एक मिलीलीटर से कितने किलोलीटर बनेंगे, मिलीलीटर कहां पर है, यहां पर, कितने किलोलीटर बनेंगे, यहां पर जाने, नीचे से बिल्कुल टॉप पे जाना है, तो ऊपर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप हम ऊपर जा रहे हैं, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो से, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, जितने स्टेप जाने होते हैं ना उतने जीरो नीचे लगेंगी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 0.1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। अब ये मत सोचना कि सर नीचे तो आपने 6 जीरो लगा दी, ठीक है, तो ध्यान रखना इस जितनी जीरो होती हैं उतने डेसिमल के बाद डिजिट होते हैं, तो 5 तो जीरो हो गई और एक लिखने के लिए भी तो फिर एक जगह चाहिए थी ना, तो टोटल 6 डिजिट बनेंगे, तो यहां पर 0.1, 2, 3, 4, 5 और 1 यहां लगेगा, ठीक है। लास्ट, 1 लीटर कितने हेक्टोलीटर के बराबर है, तो 1 लीटर कितने हेक्टोलीटर ऊपर की तरफ चलने हैं, तो डिवाइड करेंगे 100 से, तो 0.01, ठीक, तो आगे होगा समझ में। तो अब इसके बाद हम एक लास्ट पोर्शन देखते हैं, विच इज टाइम, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखते हैं, वो बिल्कुल आसान है, ये भी आसान था, ठीक है। अब टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, वीडियो को फिर से पॉज करो, इन क्वेश्चंस का आंसर करो, उसके बाद फिर मैच करना, बिल्कुल आसान है, यहाँ पे कुछ समझाने की जरूरत है ही नहीं, डेली आप देखते हैं समय घड़ी में कि कितने घंटे कितने मिनट हो गए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 दिन 7 घंटे और 20 मिनट ये टोटल कितने मिनट के बराबर होंगे, तो आप मुझे बताइए एक दिन में
कितने घंटे होते हैं? तो तुम कहोगे 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, क्लियर है। लेकिन हमारे पास तो 3 दिन है ना, तो फिर 3 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? 24 या 72 घंटे। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? तो 24 गुना 3 तो 72 घंटे हो जाएंगे। लेकिन हमें तो मिनट में बनाना है, ये तो घंटे में बन गया। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? आप सभी जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी कि इसको आप 60 से भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 3 18, 18 चौके 72, 18 दूनी 36 और 7 43, यानी कि 4320 मिनट बन गए 3 दिन के अंदर, ठीक है भाई, क्लियर। अब 7 घंटे में कितने मिनट होंगे? आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 7 घंटे में 420 मिनट हो जाएंगे, क्लियर है यहां तक। और 20 मिनट हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो इसको आप एज इट इज ले लेंगे, तो ये बनेगा 2 2 4 और 2 6, 4 3 7, 4760 मिनट। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आएगा 4760 मिनट, क्लियर। बिल्कुल आसान, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल ध्यान से करना है। तो ये सारा हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 6:16 AM यानी कि सुबह के 6:16 से 8:02 PM तक कितने घंटे और कितने मिनट होंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा आपका? आप देखो, 6:16 सुबह के हो रहे हैं, तो इस के अंदर 6:16 के अंदर अगर मैं कह दूं यहां पर 16 4 20 और 44, अगर मैं इसमें 44 मिनट और ऐड कर दूं, ठीक है, तो तुम क्या कहोगे कि सर 6:16 में अगर 44 मिनट ऐड कर दोगे तो सर जी ये तो सुबह के 7 बज जाएंगे। बिल्कुल 7 बज जाएंगे भाई सुबह। अब 7 बजे से लेके 8:02 तक, 8:02 तक कितने घंटे होंगे? अब आप तुम मुझे बताओ, सुबह के 7 बजे हैं, 7 और 5 12, तो 5 घंटे बाद दोपहर के 12 बज जाएंगे। तो 5 घंटे तो वो और 8 घंटे ये, तो 13 घंटे हो गए भाई, ठीक है। 13 क्या हो गए? घंटे हो गए, और 2 मिनट इसमें शामिल हैं, तो 2 मिनट यहां पर होंगे। तो अब इस टाइम को हम टोटल करते हैं, ये समझ में आ गया होगा, 7 और 5 12, 5 और 8 13, तो 13 घंटे और 2 मिनट एक्स्ट्रा थे, तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा? 44 मिनट ये हैं, 2 मिनट ये, तो 44 और 2 46 तो हमारे पास हो गए मिनट, और 13 घंटे हमारे पास हैं, तो 13 घंटे 46 मिनट का समय होगा, ठीक है। तो इस तरह से तोड़ तोड़ के आप इसको चेक कर सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर देखो, 2:58 PM से 4:59 पहले क्या समय होगा? AM होगा, PM होगा, वो आपने देखना है। अब देखो, इसमें आपने क्या करना है कि 2:58 PM, 2:58 PM हमारे पास हो रहे हैं, यानी कि दोपहर के 2:58 हो रहे हैं, इससे 4:59 पहले का हमें समय जानना है। तो क्यों ना हम इस 4:59 को 5 घंटे मान ले, बात आ रही है समझ में? हम इसको क्या मान ले? टोटल 5 घंटे मान ले, एक ही मिनट तो कम है ना। तो अगर हम देखें कि इस टाइम से 5 घंटे पहले क्या समय रहा होगा, यानी कि इसमें से 5 घंटे पहले अगर हम माइनस करेंगे, तो 2 बजकर जब 2 बजे होंगे तो 12 से 2, 2 घंटे तो वो माइनस हो गए, 3 घंटे और माइनस करने हैं, इसका मतलब सुबह के 9 बजे होंगे, ठीक है। तो वो होगा 9:58 AM का समय, क्लियर। देखो फिर से देखो समझ के, मैंने कहा 2:58 दोपहर के हो रहे हैं, इससे 4:59 पहले क्या समय रहा होगा? तो 4:59 को मैंने 5 घंटे मान लिया, तो 5 घंटे पहले क्या समय हुआ होगा? यानी कि 9:58 हुए होंगे। तुम यहां से करके देख लो, 9:58 से 5 घंटे बाद, 9 से 1 घंटा बाद 10, 10 से फिर 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, तो 5 घंटे हो गए ना। 9 और 5 14 होते हैं, 12 के बाद फिर 13 14, यानी कि 2 बज गए। डिफेंस का जो टाइम होता है वो 24 फॉर्मेट में होता है, 24 आर के फॉर्मेट में, यानी कि वहां 12 के बाद फिर 13 बजते हैं, फिर 14 बजते हैं, ठीक है। तो इसको आप समझ लेना, ठीक है, कैसे मैंने बताया। तो अब यानी कि 9:58 हो रहे होंगे, लेकिन उसने तो कहा था 59 मिनट पहले, हमने तो 5 घंटे माइनस कर दिए ना, जबकि 1 मिनट हमने ज्यादा माइनस कर दी, तो 1 मिनट तुम इसमें प्लस कर दो, तो इसका मतलब हुआ 9:59 AM का जो है वो समय हो रहा होगा, तो 9:59 AM जो है वो क्वेश्चन का आंसर होगा,
क्लियर है बात, समझ में आ रही तुम्हें? तो ध्यान रखना, मैंने यहां पर पहले पूरे 5 घंटे घटा दिए, तो 5 घंटे घटा दिए, लेकिन हमें 1 मिनट कम घटाना था, तो इसका मतलब हम इसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो जो समय होगा वो 59 AM, 9:59 AM का होगा, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन है हमारा, 2:17 PM से 11:59 बाद क्या समय होगा, तो इसी तरह से करना है, ये भी ध्यान से देखो, 2:17 PM ये समय हो रहा है हमारा दोपहर का, ठीक है, दोपहर के 2:17 हो रहे हैं, तो 11:59 को क्यों ना मैं 12 घंटे मान लूं, तो अगर मैं इसमें 12 घंटे और ऐड कर दूंगा, जैसे 12 घंटे मैं इसमें ऐड करता हूं, तो तुम खुद सोच के बताओ, दोपहर के 2:17 हो रहे थे, ठीक घंटे बाद रात के 2:17 हो रहे होंगे, क्लियर है, 2:17 जो है वो रात के हो रहे होंगे, ठीक है, 2:17 AM हो रहा होगा रात का, लेकिन हमने तो क्या कर दिया, 12 घंटे इसमें ऐड कर दिए, जबकि करने तो 11:59 थे, यानी कि यहां से हम 1 मिनट को माइनस कर लेंगे, तो 2:16 हो रहे होंगे हमारे सुबह के, पीएम नहीं होगा क्योंकि रात के बज रहे होंगे ना उस टाइम पे, तो टाइम को आप राउंड फिगर में लेके भी कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर आपको ऐसे जैसे प्लस माइनस करते हैं ना उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, फिर वहां से आपको अगर माइनस करना है तो हो सकता है पीछे से कुछ आर उधार लेने पड़ जाएं, लेकिन ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आसान है, आप इस तरीके से या क्वेश्चन को इस तरीके से चलाएंगे तो कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो था आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक था, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस करे, कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखें, ठीक है, चीज़ों को ध्यान से सुने समझें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।